नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अक्सर आप मेरे कमेंट में ये बात ज़रूर कहते हैं अगर मैं कोई दूसरी वीडियो भी बनाती हूँ कि शबनम की वीडियो बनाई है। तो आज मैं फिर शबनम के बारे में एक बहुत ही अहम जानकारी आपको देने वाली हूँ, जिसको आप को कभी किसी ने बताया नहीं होगा, आप इसको जानते नहीं होंगे क्योंकि ये कहीं दर्ज ही नहीं है। और एक और गुजारिश है मेरी कि आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस पर कमेंट अपना दीजिएगा ज़रूर। और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस दिन मास्टर शौकत अली की प्रिंसेस यानी कि शबनम रातों रात इंटरनेशनल मीडिया पे एक बड़ी सुर्खी की तरह उभरी थी, उसी दिन एक और बात का भी खुलासा हुआ था। वो बात यह है कि उस दिन, केवल उस दिन ही शौकत अली के परिवार को खाने में, रात के दूध में जो उनका फाइनल ड्रिंक होता है, उसमें नशे की दवाइयां केवल उसी दिन नहीं दी गई थी। ये क्रम बहुत दिनों से चला आ रहा था, और ये जिसने भी इसको अंजाम दिया उसको ये ज़रूर पता होगा कि ये सिलसिला बहुत दिनों से चला आ रहा है। और ये इसकी वजह, मोटे तौर पे जो इसकी वजह थी वो यही थी कि अब सलीम को मास्टर शौकत अली के घर में पसंद नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने रात को मिलने का तरीका अपनाया। शबनम और सलीम के इस तरीके पे बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन प्रेमी जिन्हें मिलना होता है वो ऐसे ही कुछ घिसे पिटे और घटिया तरीके के फार्मूले अपनाते हैं। और ये बात किसी ना किसी उस व्यक्ति को ज़रूर पता होगी जिन्होंने शौकत अली के परिवार को ख़त्म करने के लिए न केवल शबनम का इस्तेमाल किया और सलीम का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भी कोई है, ये पठान है, चूँकि सलीम भी पठान बिरादरी से ही आता है और फिर अचानक से शबनम का वो सब कुछ बन जाता है। और ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉपर्टी है शौकत अली की, इस समय भी है, लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो ये है कि जिस समय शौकत अली के परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दिया जाता है, अब देखिए, चाहे इस घटना को अंजाम किसी ने भी दिया हो, कैसे भी दिया हो, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे हादसे के पीछे प्रॉपर्टी तो एक बड़ी वजह है ही। ये अब सबको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो मौजूदा प्रॉपर्टी है जिसमें शबनम की चाची रह रही हैं, उस प्रॉपर्टी पे भी उस पठान की नज़र है। वो इनडायरेक्ट वे से उसको खरीद चुका है और उनको काफ़ी परेशान कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि जिस दिन ये पूरी घटना होती है और पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तब तक ये फ्रेमिंग नहीं होती कि इस घटना को अंजाम किसने दिया है। उससे पहले ही घर में, घर के सारे जेवरात जिस बैग में रखे होते हैं, वो जेवरात भरा बैग शबनम अपनी मामी को हैंड ओवर कर देती है, और उसके साथ ही जो घर में कैश रखा होता है वो भी वो अपनी मामी को हैंड ओवर करती है। इस बात की पुलिस भी गवाह है, क्योंकि पुलिस ने जिस समय ये वारदात होती है उसी समय से एक तरह से शबनम को चारों तरफ से घेरा हुआ था। शबनम से कोई बात नहीं कर सकता था, शबनम को कोई एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता था। जो भी उसके खाने पीने का इंतज़ाम था वो सब पुलिस अपने हाथों से कर रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि शबनम ने वो गहनों भरा, जेवरात भरा बैग अपनी मामी को दिया। और एक और बात मैं आपको एड ऑन करना चाहूँगी कि शौकत अली ने कुछ समय ही पहले अपने साले के नाम से
कहना चाहिए कि जो शौकत अली के ससुराल वाले जो लोग हैं उनके नाम से भी एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी के भी नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, इतनी प्रॉपर्टी उनके पास थी। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि उनके जो ये हादसा होता है इसके पीछे प्रॉपर्टी ही वजह है। आज तक प्रॉपर्टी ही वजह बनी हुई है, और किस तरीके से और कैसे इसमें शबनम को यूज़ किया जाता है ये देखने की बात है। और साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई गलत काम किसी से करवाता है, कोई जुर्म करवाता है, तो वो भी उतना ही गुनहगार होता है जितना आपसे जुर्म करवाने वाला होता है। तो दोस्तों, मेरा ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।